आपके साथ पतंजलि एलोवेरा जेल को आपस में कंपेयर करने वाली हूँ, जो कि है सौंदर्य एलोवेरा जेल। तो ये नॉर्मल पतंजलि एलोवेरा जेल है और ये है केसर चंदन एलोवेरा जेल। और साथ ही इन दोनों को कंपेयर करूंगी नॉर्मल एलोवेरा जेल से, नेचुरल एलोवेरा जेल से। तो इन सब में से कौन सा आपकी स्किन के लिए बेस्ट रहेगा वो मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी। और साथ ही आपको ये भी बताऊंगी कि कौन सा आपके ड्राई स्किन के लिए है, कौन सा आपके ऑयली स्किन के लिए है, कौन सा आपको कॉम्बिनेशन स्किन के लिए है और कौन सा आपके सेंसिटिव स्किन के लिए है, तो वो मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी। सो बिना किसी देरी के चलते हैं वीडियो की तरफ। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो गाइज, ये है सौंदर्य एलोवेरा जेल और इस पर सबसे पहले लिखा हुआ है कि आपके जो पिंपल रिंकल हैं इससे ठीक हो जाएंगे। ठीक है, इसमें जो कंपोनेंट है आपका वो है घृत कुमारी स्वरस। इसकी जो क्वांटिटी है वो 60 ml है। इसमें जो प्रोसेस लिखी हुई है वो है कि आपको रात को सोने से पहले एक लेयर अपने फेस पे लगा लेनी है, उसके बाद सुबह उठ के आपको फेस वॉश करना है, एक वीक तक करना है, आपको फ़र्क महसूस होगा। ठीक है, और दाग धब्बे यानी कि एक्ने मार्क वगैरह होंगे वो आपके ठीक हो जाएंगे। साथ ही आप इसको अपने बालों पर भी लगा सकते हो। ठीक है, सेम प्रोसेस इसकी भी है और इसका भी प्राइस 50 rupees का है। और इसमें केसर चंदन है घृत कुमारी के साथ, 60 ml की ही इसमें क्वांटिटी है। और सेम प्रोसेस है इसमें भी, यही है कि आपको रात को सोने से पहले या नहाने से एक घंटे के पहले इसको अपने फेस पर अप्लाई करना है। ठीक है, तो ये तो हो गई इन दोनों की प्रोडक्ट डिटेल। और उसके बाद मैं आपको इसको अपनी हैंड पे निकाल के बताती हूँ कि इसकी कंसिस्टेंसी जो है वो कैसी है। और अंदर से कुछ इस टाइप से हैं ये। सो गाइस, सबसे पहले मैं नॉर्मल वाला एलोवेरा जेल लगा निकाल रही हूँ। और एक कुछ ज़्यादा ही आ गया था क्योंकि अभी नया नया ही मैं लाई हूँ अभी, तो इसको मैं अपने हाथ पे अप्लाई करके आपको बताऊँगी। तो ये कुछ ज़्यादा अमाउंट में आ गया है, इतने ज़्यादा अमाउंट में आप मत यूज़ करना। और इसको आप अपने बालों में यूज़ कर सकते हो, जब आप हेयर स्ट्रेट कर रहे हो, कट कर रहे हो, जब कोई भी हीट आपको देनी होती है तो आप एलोवेरा जेल अपने हेयर्स पे भी यूज़ कर सकते हो। ठीक है, तो ये अब सूख चुका है बट इसमें स्टिकीनेस है अभी। ठीक है, तो अब मैं दूसरे हैंड पे दूसरा वाला एलोवेरा जेल अप्लाई करके आपको बताती हूँ कि इसकी कंसिस्टेंसी कैसी है। तो ये मैंने जो है थोड़ा यूज़ किया हुआ है, तो इसको जो है मैं अपने हैंड पे निकाल के बता रही हूँ। तो फेस के लिए आपको इतनी जो है क्वांटिटी की ज़रूरत होती है, इससे ज़्यादा आप मत लगाना क्योंकि वो बहुत ज़्यादा ना चिपचिपा सा हो जाता है एलोवेरा जेल। तो मैंने अपने दोनों हैंड पे अप्लाई कर लिया है इसको। उसके बाद अब जो है बात आती है नेचुरल एलोवेरा जेल की। तो ये है नेचुरल एलोवेरा, तो इसको मैं अपने फेस पर डायरेक्ट लगाऊंगी। और इसको ही मैं ज़्यादातर अपने फेस पर लगाती हूँ, तो आपको बस एक पतली सी लेयर अपने फेस पे इसकी लगानी है। और इसके बाद मैं आपको रिव्यू दूंगी कि तीनों में से कौन सा आपकी किस स्किन टाइप के लिए बेस्ट रहता है। ठीक है, उसके बाद जैसे आप एलोवेरा अपने हाथ पे लगाते हो या मुंह पे लगाते हो, तीनों में से कोई भी आपको अच्छे से 2-3 मिनट तक मसाज करनी ही होती है। ठीक है, और हाँ, अगर आपको एलोवेरा सूट नहीं करता है तो अपने फेस पे बिल्कुल भी मत लगाना, पहले अपने हाथ पे या नेक पे ट्राई कर लेना। अगर आपको जलन हो रही है तो आप एलोवेरा मत लगाना। ठीक है, तो अब मैं आपको रिव्यू देती हूँ। सो गाइज, आफ्टर प्रोडक्ट की डिटेल अब मैं आपको अपना रिव्यू देती हूँ इनके बारे में। तो ये वाला जो एलोवेरा जेल है इसको मैं काफ़ी टाइम से यूज़ करती हूँ। और आपने मेरी पुरानी वीडियो, अगर आपने मेरी मेकअप कलेक्शन वाली वीडियो देखी होंगी तो वहाँ पे आपने इसको देखा होगा, तो इसको मैं यूज़ करती हूँ। ठीक है, ये मैं कल ही लेके आई हूँ बट इसको मैंने 2 बार यूज़ कर दिया है, शाम को भी और आज सुबह से भी। तो मुझे इसका पता चल गया है कि ये किस स्किन के लिए सही रहेगा। और इसको तो मैं आपको मेरी बहुत सारी वीडियो में आपको मैं बताती हूँ, इसको मैं ज़्यादातर इसको ही यूज़ करती हूँ। नॉर्मल इन एलोवेरा जेल को मैं तभी यूज़ करती हूँ जब मेरे को मेकअप करना होता है। ठीक है, तो फर्स्ट थिंग मैं अगर इसकी बताऊँ, केसर चंदन एलोवेरा जेल। सो गाइस, इसको मैं काफ़ी टाइम से यूज़ कर रही हूँ, सो मुझे पता है ये मतलब है मेरी जो स्किन है कॉम्बिनेशन स्किन है, ज़्यादा ऑयली है ना ज़्यादा ड्राई है। ठीक है, तो कभी कभी हो जाती है मौसम के अकॉर्डिंग, मेरी स्किन कभी ड्राई हो जाती है तो कभी ऑयली हो जाती है, तो ऐसी मेरी स्किन है। तो मेरे लिए ये जो एलोवेरा जेल है इसको मैं लगाती हूँ, तो ये काफ़ी ज़्यादा मेरे को अच्छा लगता है। तो अगर आपकी भी कॉम्बिनेशन स्किन है या फिर आपकी जो है, अगर आपकी ऑयली स्किन है और या फिर आपकी कॉम्बिनेशन स्किन है, तो उसके लिए ये आपके लिए बेस्ट रहेगा। क्योंकि ये जो है अप्लाई करने के बाद तुरंत ही सूख जाता है, मतलब ज़्यादा टाइम ये नहीं लेता है कंपेयर करो इनसे।
इन दोनों एलोवेरा जेल से तो ये काफ़ी जल्दी जल्दी जो है सूख जाता है और इजीली अब्जॉर्व हो जाता है। इसको लगाने के बाद आपको स्टिकनेस फील नहीं होगी फेस पे, ठीक है। उसके बाद बात करें ये वाला एलोवेरा जेल, ये नॉर्मल एलोवेरा जेल है, तो ये जो है ये मतलब लगाने के बाद, जब मैंने इसको कल भी यूज़ किया था, दिन में भी यूज़ किया था, सुबह भी यूज़ किया था, तो उस टाइम पे ये काफ़ी ज़्यादा स्टिकी है और बहुत ज़्यादा टाइम लगाता है सूखने में, करीबन आधा एक घंटा तक। मतलब अगर आप अपने फेस पे इसको लगाओगे तो आपको स्टिकीनेस लगेगी, मतलब एकदम से एब्जॉर्ब नहीं होता है फेस पे। तो ये आपकी ड्राई स्किन के लिए अच्छा रहेगा क्योंकि ये आपकी स्किन को तब ज़्यादा देर तक मॉइस्चराइज रखेगा, ठीक है। उसके बाद बात आती है नेचुरल एलोवेरा जेल। तो नेचुरल एलोवेरा जेल तो गाइस अगर आप की सेंसिटिव स्किन है, ऑयली स्किन है, ड्राई स्किन है, किसी भी स्किन के लिए आपके लिए नेचुरल एलोवेरा जो है बेस्ट रहता है, ठीक है। इसको मैं अपनी हर वीडियोस में यूज़ करती हूँ तो आपको पता होगा, ठीक है। तो गाइस बट इसमें एक प्रॉब्लम होती है क्योंकि एलोवेरा जो होते हैं बहुत टाइप्स के होते हैं, मतलब अलग अलग टाइप्स के एलोवेरा होते हैं। तो मेरे पास ये वाला एलोवेरा जो है, मतलब ये जो मेरे पास है, ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा है स्किन के लिए, क्योंकि मेरी एक फ्रेंड है जो जिसकी स्किन जो है काफ़ी ज़्यादा एक्ने प्रो है, मतलब बहुत ज़्यादा पिंपल्स उसके फेस पे होते हैं। नॉर्मल क्रीम लगाती है उसको पिंपल हो जाते हैं, वो कभी फेस वॉश से अपना फेस वॉश नहीं करती क्योंकि उससे भी उसको पिंपल हो जाते हैं। तो वो मेरे से हर वीक मतलब ये लेके जाती है क्योंकि स्किन को, उसकी स्किन को ये बहुत अच्छे से सूट करता है, जबकि उसकी बहुत ज़्यादा सेंसिटिव स्किन है, बहुत ही ज़्यादा। वो कुछ खाती भी है तो उससे भी उसको पिंपल हो जाते हैं, तो वो मेरे से हमेशा ये वाला एलोवेरा लेके जाती है। उसी ने मेरे को बताया था कि उसने एलोवेरा भी ट्राई किए हैं बट उससे उसकी स्किन जो है कैसे बता सकूं, थोड़ी अजीब सी हो चुकी थी। बट ये वाला जो एलोवेरा उसने यूज़ किया, तो इसको मैं आपको बता दिया है पहले कि किस टाइप का ये एलोवेरा है, मैं आके आपको फोटो शो कर दूंगी। कुछ इस टाइप से है ये, और इसका जो लिक्विड है, जब इसे लिक्विड निकालते हैं ना, मतलब जेल निकालते हैं, तो काफ़ी लिक्विड फॉर्म में होता है, बहुत ज़्यादा मोटा नहीं है, गाढ़ा नहीं है। मतलब कोई कोई एलोवेरा होता है ना जो गाढ़े गाढ़े से, मतलब कैसे बताऊँ, ठीक होता है मतलब, बट ये जो है लिक्विड फॉर्म में है, तो ये काफ़ी अच्छा है स्किन के लिए। तो मैं भी इसको यूज़ करती हूँ, काफ़ी टाइम से यूज़ करती हूँ। तो इसको बस आपको थिन सी लेयर अपने फेस पर लगानी होती है, ठीक है। उसके बाद ही आपको सनरेज से प्रोटेक्ट करता है, आपके पोर्स जो है क्लोज कर देता है। फिर बात आती है कि मेकअप से पहले आप इसको यूज़ नहीं कर सकते हो, क्योंकि जब भी आप मेकअप से पहले इसको यूज़ करते हो तो आपका मेकअप जो है उतर जाता है, मतलब अजीब सा हो जाता है। उसके लिए आपको क्या करना है कि जब भी आप इसको लगाओ, रात को लगाओ, सोते वक्त सुबह लगाओ, उसके बाद आपको जब आप अपना फेस वॉश करोगे तो आपकी स्किन जो है काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट हो जाएगी। आपको लगेगा कि अच्छे से आपकी स्किन से निकला नहीं हुआ है, बट वो होता ही है कि आपके पोर्स के अंदर ही चला जाता है, और फेस वॉश करने के बाद भी ये आपके फेस पे रहता है क्योंकि आपके पोर्स के अंदर तक चला जाता है, ठीक है। तो उसके बाद आप मेकअप कर सकते हैं, बट जैसे मतलब लगाने के बाद, अपना फेस वॉश करने के बाद आप मेकअप कर सकते हैं, इसके साथ मेकअप जो है नहीं करना है, ठीक है। उसके बाद इन दोनों का मैं रिव्यू आपको दे चुकी हूँ, ठीक है। तो कैसी लगी आज की आपको ये वीडियो, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर दीजिएगा। सो थैंक यू, बाय बाय।